कोरोना को लेकर पूरे विश्व में कोहराम मचा हुआ है। जो जहां है वहीं फंसा हुआ है। वहीं कोलकाता IHM से होटल मैनेजमेंट पढ़ाई करने मॉरिशस गए 200 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं वहां, जिनमें करीब 20 छात्र झारखंड के हैं। उधर कोरोना के खौफ के कारण मॉरिशस में भी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, जहाँ स्थिति और भी भयावह है। मॉरिशस में फंसे छात्रों ने प्रधानमंत्री, राज्य सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है मदद की। वहीं मॉरिशस में छात्रों के दल में सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर नगर निगम की पार्षद राजरानी महतो का पुत्र भी है। उन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ बाकी बच्चों को वापस लाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। कोई भी प्लेन भेजे ताकि हम सब अपने घर सुरक्षित आ पाए, हमें अपने घर आना है। नमस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम सब इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो मॉरिशस में पढ़ने आए हैं। जैसे कि आपने भी देखा है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे इंडिया में शटडाउन हो गया है और कोरोना वायरस मॉरिशस में भी फैल गया है। हम सब इधर फंस चुके हैं बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से। ना हमारे पास ढंग से मास्क अवेलेबल है, ना ही सैनिटाइजर। आप देख सकते हैं सबके पास यहाँ पे हमारे पास मास्क भी नहीं है। N95 मास्क यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सर्जिकल मास्क है जो सफिशिएंट नहीं है। हमारे खाना वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है, हमें बस अपने घर सुरक्षित जाना है। आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज आप हमारे लिए जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, कोई भी प्लेन भेजे ताकि हम सब अपने घर सुरक्षित आ पाए। मॉरिशस आया था ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए। अभी हम लोग ट्रेनिंग खत्म हो गया है, सभी होटल बंद हो गए हैं, सब दुकान भी बंद चल रहे, तो हम लोग खाना का स्टॉक कुछ है नहीं, तो हम लोग अभी थोड़ा मुसीबत में है। यहाँ पर हम लोग 150 प्लस स्टूडेंट है जो मॉरिशस में है। हम लोग झारखंड सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, झारखंड सरकार और भारत सरकार से, कि हम लोग जल्द से जल्द बुलाएं। यहाँ पर भी केस बहुत स्पीड बढ़ रहे हैं, हम लोग से रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप जल्द से जल्द हम लोग